हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की हस्तकला, जिसका पहला भाग हमने देख लिया है। आगे की कुछ हस्तकलाओं के बारे में हम आज देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राजस्थान में होने वाली विभिन्न जो परीक्षाएँ हैं उनमें हमेशा इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान की हस्तकला, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे थेवा कला के बारे में। थेवा कला, पूछा जा सकता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कि थेवा कला में होता क्या है? तो थेवा कला में हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। पूछा जा सकता है कि थेवा कला में क्या होता है? तो हरे रंग के कांच में सोने की नक्काशी का कार्य किया जा सकता है। अब ये जो हरे रंग का कांच है, ये बेल्जियम से आयात किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरे रंग का कांच कहां से आयात किया जाता है? तो मुख्यतः ये बेल्जियम से आयात किया जाता है। पूछा जा सकता है कि जो थेवा कला है ये प्रारंभ करता कौन है इसके? तो थेवा कला के जो प्रारंभ करता है वो नाथूजी सोनी है। थेवा कला के प्रारंभ करता नाथूजी सोनी है। पूछा जा सकता है इसके वर्तमान कलाकार बताओ? तो इसके एक हैं महेश कुमार, महेश विजयराज सोनी। इन्हें 2015 के अंदर पद्मश्री दिया गया था। महत्वपूर्ण है ये बात, बहुत बार पूछा जाता है कि किसे पद्मश्री मिला है, किसे पद्मश्री नहीं मिला है। इसके अन्य जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं वो गिरीश कुमार हैं। थेवा कला के बारे में हमें एक बात और याद रखनी है कि थेवा कला का जो प्रारंभ है वो प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के काल में हुआ था। और सरकार ने थेवा कला को बढ़ावा देने हेतु 2002 नवंबर 2002 में इस पर डाक टिकट भी जारी किया था। आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि आला थेवा क्या होता है? हमें इसके बारे में भी ध्यान रखना है। जो हरे रंग के अलावा जो कांच होते हैं उनके ऊपर जो सोने का कार्य किया जाता है वो आला थेवा के अंदर आता है। थेवा कला के अंदर हरे रंग के कांच पे सोने का नक्काशी का कार्य किया जाता है, और आला जो थेवा है उस पे हरे रंग के अलावा जो अन्य कांच होते हैं उन पे नक्काशी का कार्य किया जाता है। तो हमने देखा थेवा कला के बारे में, थेवा कला के जो प्रारंभकर्ता थे नाथूजी सोनी, इसके जो महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं महेश विजयराज सोनी जिन्हें 2015 में पद्मश्री मिला था, गिरीश कुमार 2002 में नवंबर 2002 में इस पे डाक टिकट जारी किया गया, जिस शासक के काल में ये प्रारंभ हुई थी वो थे सावंत सिंह, और थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। अब हम देखेंगे फट चित्रण के बारे में। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पे फट चित्रण के बारे में। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है फट चित्रण से कि फट चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फिर पूछा जा सकता है कि फट चित्रण होता क्या है? तो फट चित्रण जो हरे और नीले रंग के सूती या रेंजी के कपड़े पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों या उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी अंकित करना ही फट चित्रण के अंदर होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो लोग देवताएं हैं उनके बारे में जो जानकारी अंकित की जाती है, उनका चित्रण किया जाता है, वो फट चित्रण के अंदर सम्मिलित होता है। तो परिभाषा पूछी, लाल व नीले रंग के सूती या फिर रेंजी के कपड़े पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों व महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में
जानकारी अंकित करना। तो परिभाषा के तौर पे पूछा जा सकता है कि फट चित्रण में होता क्या है, तो लाल व नीले रंग के सूती या रेंजी के कपड़े पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों या महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी अंकित करना ही क्या होता है, फट चित्रण के अंदर किया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग दो देवता हैं का चित्रण व उनके बारे में जो जानकारी अंकित इसके अंदर की जाती है। हमें पूछा जा सकता है कि जो फट चित्रण है उसका उद्गम कहाँ से हुआ था, तो मेवाड़ शैली से उसका, मेवाड़ चित्र शैली की जो भित्ति चित्रण है इससे उसका उद्गम माना जाता है। क्वेश्चन सीधा बनता है फट चित्रण का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो फट चित्रण का उद्गम मेवाड़ चित्र शैली की भित्ति चित्रण से इसका उद्गम माना जाता है। हमें इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये याद रखनी है कि जो फट चित्रण करते हैं उन्हें चितेरा कहा जाता है, जो फट चित्रण करने वाले चितेरा कहलाते हैं। फट चित्रण के जो महत्वपूर्ण चितेरे हैं वो हैं श्रीलाल जोशी, और इसके अन्य जो महत्वपूर्ण चितेरे हैं उनमें शामिल हैं प्रदीप मुखर्जी। साथ ही जो महिलाएं फट चित्रण का कार्य करती हैं वो चितेरी कहलाती हैं, और फट चित्रण का कार्य करने वाली जो प्रमुख चितेरी हैं वो हैं पार्वती जोशी और गोतल देवी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि फट चित्रण के प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो श्रीलाल जोशी और प्रदीप मुखर्जी हैं। प्रमुख चितेरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पार्वती जोशी या गोतल देवी हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पार्वती जोशी किससे संबंधित हैं, गोतल देवी किससे संबंधित हैं, तो आपको ये जानकारी ध्यान में रखनी है। ये हमने फट चित्रण के बारे में देखा, अब फट चित्रण से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी के बारे में और देखते हैं हम। देखिए कभी कभी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी फट कौन सी है, तो जो सबसे लंबी फट है वो है देवनारायण जी की फट। देवनारायण जी की फट के बारे में भी हमें एक जानकारी और ध्यान रखनी है, देवनारायण जी की फट ही जो सबसे ज्यादा चित्रांकन वाली फट भी है, सबसे ज्यादा चित्रांकन वाली फट भी देवनारायण जी की फट ही है। और देवनारायण जी की फट पर ही 1992 में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था, तो हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि 1992 में देवनारायण जी की फट पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। तो देवनारायण जी की फट के बारे में हमें तीन जानकारियां ध्यान में रखनी है कि सबसे लंबी फट कौन सी है, तो देवनारायण जी की फट है। सबसे ज्यादा चित्रांकन वाली फट कौन सी है, तो देवनारायण जी की फट है। और सर्वप्रथम जिस फट पे डाक टिकट जारी किया गया था वो भी देवनारायण जी की फट है। अब हम बाबू जी की फट के बारे में कुछ देखेंगे। बाबू जी की फट, हमें इसके बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे लोकप्रिय फट है वो बाबू जी की फट मानी जाती है। सबसे लोकप्रिय फट, पूछा जा सकता है कि बाबू जी की फट का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो रावण हत्थे का प्रयोग होता है। और किसके द्वारा बाबू जी की फट का वाचन किया जाता है, तो जो नायक जाति के बोंपे होते हैं, नायक जाति के बोंपों के द्वारा बाबू जी की फट का वाचन किया जाता है। आजकल एक वर्तमान में सबसे नवीनतम जो फट आई है वो है कोरोना की फट। आप ध्यान में रखिए कोरोना की फट, इसका जो कोरोना की फट है इसको लिखा है कल्याणमल जोशी ने।
कल्याणमल जोशी ने। हम फट चित्रण के बारे में एक दो जानकारी और देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फट का वाचन दिन में किया जाता है, तो रामदला की फट, वह कृष्ण दला की फट, इन दोनों फड़ों का वाचन दिन में किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, कि किस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, तो हमें ध्यान में रखना है भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। इस प्रकार फट चित्रण से संबंधित हमने सारी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर ली, साथ ही हमने देख लिया कि फट चित्रण होता क्या है, कहाँ का प्रसिद्ध है व इसके प्रमुख कलाकार कौन है। अब हम देखेंगे कुछ और तथ्यात्मक जो हस्तकला से संबंधित वन लाइनर है उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण वन लाइनर है जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनको वन लाइनर के तौर पर हम अब देखेंगे। अब हम देखेंगे हस्तकला से संबंधित कुछ वन लाइनर। कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि जो इत्र है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हमें ध्यान में रखना है इत्र सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। इत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? इत्र सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। इत्र का निर्माण खस घास से होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो इत्र का आविष्कार असमत बेगम ने इसका आविष्कार किया था, जो कि जहांगीर की सास थी। अन्य वन लाइनर जो बनते हैं उनमें पूछा जा सकता है वर्क का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वर्क का कार्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। होता क्या है? कपड़े के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है वो वर्क का कार्य कहलाता है, कपड़े पे कपड़ा लगाना। एक इससे मिलता जुलता ही शब्द है वर्क का कार्य। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्क का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वर्क का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। वर्क के कार्य में होता क्या है? जो मिठाइयाँ होती हैं आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर जो सिल्वर कलर का जो चांदी लगी होती है, तो वो वर्क के कार्य में होते हैं और ये जयपुर का प्रसिद्ध है। और वर्क के कार्य करने वाले जो कारीगर होते हैं उन्हें पन्नीकर कहलाते हैं, उन्हें पन्नीगर कहा जाता है। इस प्रकार इत्र स्वाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, वर्क का कार्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, वह वर्क का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है, और इसके जो कारीगर होते हैं वो पन्नीगर कहलाते हैं। वर्क के कार्य में मिठाई को आकर्षित बनाने के लिए उसके ऊपर चांदी की एक परत चढ़ाई जाती है, उसे वर्क का कार्य कहा जाता है। कुछ और वन लाइनर के हम ऊपर डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे गोपण के बारे में। क्वेश्चन सीधा पूछाता है गोपण कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गोपण प्रसिद्ध है चंदू जी का गढ़ा व बोडीगामा बांसवाड़ा में है। इससे संबंधित ही एक वन लाइनर और बनता है, पूछा सकता है कि तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है, तो तीर कमान भी चंदू जी का गढ़ा बोडीगामा के ही प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही वन लाइनर काफ़ी बार पूछे गए हैं, गोपण कहाँ का प्रसिद्ध है, तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध हैं। साथ ही खेती से संबंधित कुछ जो औजार बनाए जाते हैं, जो खेती से संबंधित जो लकड़ी के औजार खेती से संबंधित, ये नागौर के प्रसिद्ध हैं। हमें ध्यान में रखना है कि लकड़ी के जो औजार हैं खेती से संबंधित वो नागौर के प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार जो लोहे के औजार हैं कृषि से संबंधित या खेती से संबंधित,
वो श्री गंगानगर के प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं, कृषि से संबंधित, वो श्री गंगानगर के हैं। लकड़ी से संबंधित जो खेती के औजार हैं वो कहाँ से के प्रसिद्ध हैं, नागौर के प्रसिद्ध हैं। तीर कमान कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चंदूजी का गढ़ा वह बोडेगामा के। गोपन कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गोपन चंदूजी का गढ़ा वह बोडेगामा के प्रसिद्ध है। तो आज हमने काफ़ी जो हस्तकला से संबंधित क्वेश्चन थे, फैक्ट थे, वो डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में कुछ 15-20 हस्तकला से संबंधित जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।